अभी आप देख सकते हैं नीचे का जो तिलछट है, ये जो नीचे जो है बी वैक्स में जो अंदर जो उसके अंदर जो कसाफत रहती है उसको हम निकाल देना है। ये गर्म होने के बाद, अभी ठंडा बिल्कुल नहीं हुआ पूरा, तो थोड़ा बहुत इसको जो ऊपर से निकाल लेना है ऐसे ही। और इसको नीचे अब थोड़ा और रख कर इसको सेडिमेंट होने के बाद फिर ऊपर से डाल लेंगे। इसके बाद आप छोटी छोटी जो है इसके अंदर डाल कर आप रख लें। उसके बाद मरीज को कहें कि इसमें थोड़ा गरम तेल थोड़ा मिलाकर इस्तेमाल करने के लिए, जैतून का गरम तेल थोड़ा गरम करके डाल के, क्योंकि ये घट हो जाएगा एकदम तो मोम जैसा बन जाएगा, तो उसको जो है आप थोड़ा गरम तेल डालेंगे तो पिघल जाएगा। तो गरम जैतून का तेल डाल के मिक्स करके मरीज़ को इस्तेमाल करने के लिए बोलना चाहिए। ऐसे आप जो है इसको फिल करके रख ले सकते हैं। ये बहुत आसान तरीक़ा है आपको मरहम बनाने का, और बहुत ही मुआसिर और बहुत ही बेहतरीन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नीचे चिलछट है वो बैठ जाए, आप देख सकते हैं ये जो है आपको जैसे जम रहा है, ये उसके बाद जम जाएगा। उसके बाद जब भी इस्तेमाल करना है आप इसमें थोड़ा बहुत रोगन जैतून गरम करके डाल देंगे तो आहिस्ता उसको हलाएंगे, तो उसके बाद जो है बेहतर है। प्लास्टिक से भी शीशी के जो मतलब जो बॉक्सेस आते हैं या शीशियाँ आती हैं छोटी, उसमें करेंगे तो और आपको गर्म डालने में आसानी होगी। तो ये तरीके से आप मतलब में इस्तेमाल कर सकते हैं।